तो नाजिन आज पारस शाहजेब और फैसल वाडा के दरमियान काफ़ी जो है वो सख्त किस्म की बहस हो गई और फैसल वाडा ने बड़ी हकीकत बयान कर दी जो PDM2 बनने जा रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और फिर इस पे बात करते हैं। वावडा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आप बड़ी खबरें दे रहे हैं, आपने कहा कि मुक गया शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, तो ये कैसे हो गया साहब? बहुत शुक्रिया बहन। देखिए जी, मैं तो 8-9 महीने से पीट रहा हूँ, आप लोग सीरियस नहीं लेते। आप सीरियस ले रहे हैं तो मैं इसका क्या कह सकता हूँ। नहीं, हम सीरियस लेते हैं आपकी बात को, पहले नहीं, अगर नहीं भी लेते थे तो आप लेते हैं आपकी बात को। आपकी बहुत सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही भी साबित हुई हैं, लेकिन ये हो कैसे गया? देखिए जी, जमीनी हकायक से तो आप मुंह नहीं फेर सकते ना। जो जो PDA या नून लीग की जो नफरत है वो पिकअप कर रही है PTI की पॉपुलैरिटी के साथ, और ग्राउंड में अगर आप देखें तो ये तो रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। देखे ना, जो फिगर्स मैंने 48 घंटे पहले दिए थे PMLN के, वो एक ओवर उनको टेनिस बॉल के साथ देना था जिसपे नवाज शरीफ ज्यादा मैं छक्का मारूंगा, वो उस पर भी नहीं मार सके। मैंने ये भी कहा था कई महीनों पहले, या अकेले रेस में भाग रहे हैं फिर भी चौथे नंबर पे आएंगे। तो अगर नलायकी और नाअहली उनकी तरफ है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। साहब लेकिन देखिए, आप सुन रहे थे ना बातें जो कहा जा रहा था नून लीग की तरफ से कि जी हमारी तो बात हो गई है और फिर भी अगर अकेले रेस में दौड़े मियां नवाज शरीफ और फिर भी दूसरे नंबर पर आ गए तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट थे। अपनी इलेक्शन मुहिम भी इन्होंने काफी देर के बाद ही शुरू की है, कह रहे थे ड्राइंग रूम से बाहर कब निकलेंगे, ये सब वेट कर रहे थे इस चीज का, तो क्या बात हुई थी? ये तो बहन मसला सारा ये है कि ये तो जो आईन और कानून और जमहूरियत के चैंपियन और ठेकेदार हैं, जो वक्त जरूरत 6 को 9 पढ़ लेते हैं और 9 को 6 पढ़ लेते हैं, वक्त जरूरत जेल दे देते हैं, वक्त जरूरत बेल दे देते हैं, वक्त जरूरत सादिक अमीन बना देते हैं, वक्त जरूरत काफरे बना देते हैं। तो ये जो जुडिशियल सिलेक्शन 2024 चल रही है उसके तहत तो यही रिजल्ट आने थे, और रिंग रिंग के भी जो मैंने फिगर दिया था शायद रात तक राजा साहब की मिठाई की दुकान में मेवे अगर पक गए तो शायद वो 80-82 तक आ जाए रोल करती हुई बॉल, लेकिन उसके बावजूद भी कोलेशन की गवर्नमेंट PDM2 बननी है। रेसिपी ऑफ डिजास्टर है, मुल्क में जमहूरियत का मजा चखना था एक दफा एक्सपायर्ड लीडर के साथ, तो आप लोग आखिरी दफा नून लीग का इक्तदार भी देख रहे हैं और जमहूरियत का मजा भी देख रहे हैं, और जल्दी नए इंतखाबात भी देखेंगे आप। अब आपकी मर्जी है कि आपको पटाखा 6 महीने 5 महीने में बनाना है तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और अगर आपने 6-1.5-2 साल खींचना है मुझाती तौर पे तो आपको कब लग रहा है कि पटाखा चल सकता है? क्योंकि इस तरह की जब हुकूमत बनती है, जो कि 16 माह भी हमने देखा उसकी वो कारकर्दगी भी सामने ही थी कि बाद में क्या हुआ, लेकिन आपने एक और बात भी की वावडा साहब, आपने कहा कि वो व्यापारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और लूट सेल लगने वाली है, और अब तक की खबरें भी ये हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ में इत्तेफाक हो गया है वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने का। देखिए बहन, जो व्यापारी हैं वो सारे इस्लामाबाद में, समेत बेग साहब के हम भी सब इस्लामाबाद में ही हैं, और जो मेन व्यापारी हैं वो एक शॉर्ट ट्रिप करने लाहौर गए हैं, वो सुबह इंशाल्लाह वापस पहुंच जाएंगे। और ये कालेज इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी पोजीशन में आ जाए, लेकिन जितनी मुलाकातें मेरी उनसे हुई हैं, पार्टी का उनका अपना फैसला है, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर से सब कुछ दबोच लेंगे, और प्रेसिडेंसी में भी मुझे तस्वीरें और डेकोरेशन पीसेज उनके टेबल के नजर आ रहे हैं और अच्छी वजारतें भी। तो बेटी और बाप की कुंडली आपस में नहीं मिल रही, अगर बाप प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो बेटी CM नहीं बनेगी, बेटी CM बनेगी तो बाप CM नहीं बनेगा, सब मजे में तो उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल में, ना उंगलियां घी में ना सर कढ़ाई में, मेरे ख्याल से अदरवाइज वो कढ़ाई में जरूर आ गए। जो विक्ट्री स्पीच थी जिसको आप शर्मिंदगी की तकरीर कहेंगे, लेकिन मैं शुक्र गुजार हूँ उन्होंने मेरी बात सुन के जल्दी सबको बुला लिया अपने पास, तो उस सूरत के तहत तो अब आप एक मजाकिया खेल देख रहे हैं तो ठीक है, एंजॉय करें। अच्छा, वो बेग साहब की आप बात कर रहे थे ना, बेग साहब पहले ही साथ देने के बाद बड़ा पछता रहे हैं, अब ये उस लाइन में नहीं है? नहीं नहीं, बेग साहब तो व्यापारी तो है बेग साहब, बेग साहब इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड्स, आई रियली लाइक द स्वेटर इज वेयरिंग, और आज आपको बताऊंगा बेग साहब अच्छी क्वालिटी के स्वेटर बड़े सस्ते मिल रहे हैं आज इस्लामाबाद में जो विंटर सेल लगी हुई है। चले, बेग साहब जो ना वो महंगी चीजें खरीदते हैं, वो सस्ती चीजों के ऊपर, मुझे पता है, मैंने बेग साहब को बताया है। ठीक, फैसल वाडा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल वाडा की और पारस शाहजेब की। तो फैसल वाडा ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी PDM2 बनने जा रही है और वो अब हमें नज़र भी आ रहा है।
और इन्होंने जो ये बात कही थी कि जी नवाज शरीफ को अगर तो हुकूमत 5-6 महीने चलानी है तो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें, और अगर इसको ज़बरदस्ती 1.5-2 साल खींचना है तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो ये तो नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी विकेट गिर चुकी है, उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है और उनको हटा दिया गया। और नवाज शरीफ ने अब ये कहा है कि जी फिर ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो मेरी बेटी को जो है वो MPA बना दें, यानी कोई ना कोई ओहदा उनको भी मिलेगा, क्योंकि ये मरूसी सियासत है, ये ख़ानदानी सियासत करते हैं। तो आप लोग ये देखें कि ये जो जब PDM थी ये सब शीरो शक्कर थे, बिलावल ने शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वो वज़ीर ख़ारजा थे, और उसके बाद जब ये सारा कुछ ख़त्म हुआ, इलेक्शन आए, बिलावल की ज़बान सुन लें शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, और जैसे ही इन्होंने देखा, इन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा, जैसे ही इन्होंने देखा कि इतना बड़ा मैंडेट इमरान खान को मिला है, इन्होंने धांधला किया और सारा कुछ किया, अब उसके बाद फिर से ये शीरो शक्कर हो गए। मतलब ये लोग मुल्की मुफाद में नहीं, ये अपने ज़ाती मुफाद में इकट्ठे होते हैं। मुल्की मुफाद में होते हैं तो इमरान खान को देखें जेल में, उसको ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन वो कहता है जी मैंने नहीं है, उसने सारी ऑफर्स ठुकरा दिया, उसने कहा है जी कि मैंने, मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़, मुझे मेरा मैंडेट वापस चाहिए, मुझे बनी गाला भी नहीं जाना, मुझे रखो जेल में, लेकिन मुझे मेरा मैंडेट वापस चाहिए। अब मैंडेट वापस मिलेगा तो खान साहब आएंगे, नहीं तो वो कहते जी मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, ये जो आपने वीडियो देखी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।